क्या होगा अगर महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज भी पूरी दुनिया लंकापति दशानन रावण के नाम से जानती है और एमसीयू के दी माइटी एवेंजर्स के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, लंकापति दशानन रावण या एमसीयू के दी माइटी एवेंजर्स? और मुझे पता है कि कुछ एवेंजर्स मर चुके हैं और कुछ एवेंजर्स रिटायर हो चुके हैं, पर क्योंकि फिलहाल नए एवेंजर्स की टीम का कोई भी अता पता नहीं है, इसे ये कंपैरिजन पुरानी दी माइटी एवेंजर्स की टीम पर ही बेस्ड होगा। और इस फाइट के लिए हम सभी एवेंजर्स को तीन लेवल्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे एवेंजर्स की पावर्स भी बढ़ेंगी। तो बात करें लेवल वन की, तो लेवल वन में ऐसे एवेंजर्स होंगे जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और इसमें आते हैं हॉकआई, ब्लैक विडो, फैल्कन और कैप्टन अमेरिका। तो इन चारों को ही रावण इजिली हरा देगा, क्योंकि रावण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल था और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। और क्योंकि इन चारों के पास ब्रह्मास्त्र के लेवल की तो छोड़ो कोई नॉर्मल सुपर पावर भी नहीं है, इसलिए ये चारों ही रावण को टच तक नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद बात करें लेवल टू की, तो लेवल टू में आते हैं एवेंजर्स के मिड लेवल सुपर हीरोज, जिनके पास सुपर पावर्स तो हैं और वो पावरफुल भी हैं, पर सिर्फ एक लिमिट तक। और इसमें आते हैं वॉर मशीन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, एंटमैन और विजन। और इसमें स्पाइडरमैन को छोड़कर हर किसी के पास अपनी स्पेशल वेपन, टेक्निक और पावर्स है, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनमें से कोई रावण को हरा पाएगा। तो सबसे पहले बात करें वॉर मशीन की, तो वॉर मशीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर रावण वॉर मशीन के टाइटेनियम के आर्मर को इजीली तोड़ देगा। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेटल्स में से एक है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं कि वो रावण के ब्रह्मास्त्र और दूसरे महाशक्तिशाली अस्त्रों के अटैक्स को सर्वाइव कर पाए। जिसके बाद स्पाइडरमैन के चालों और उछल कूद का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। और बात करें एंटमैन की, तो उसके पास अटैक्स करने के दो तरीके हैं, या तो अपने साइज को छोटा करके या बड़ा जायंट बनकर, और दोनों ही केसेस में वो रावण की पावर्स और महाशक्तिशाली अस्त्रों का सामना नहीं कर सकता। और शायद थोड़ी सी हमें विजन के केस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि विजन की पूरी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है और उसके माथे पर एक इन्फिनिटी स्टोन भी है। पर रावण की नाभि में अमृत था और उसे ब्रह्मदेव का वरदान भी प्राप्त था कि उसकी मृत्यु सिर्फ किसी मानव के हाथों ही संभव है। और क्योंकि विजन कोई इंसान नहीं बल्कि एक AI रोबोट है, इसलिए चाहे वो जो भी कर ले वो रावण को कभी नहीं मार सकता। जबकि दूसरी तरफ विजन की वाइब्रेनियम की बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल क्यों ना हो, एटलीस्ट ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्रों के अटैक्स को तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इस तरह से विजन को राकर रावण इस फाइट का भी एक अल्टीमेट नर होगा और लेवल टू का भी कोई भी एवेंजर रावण को नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद बात करें लेवल थ्री की, तो लेवल थ्री में एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एवेंजर्स होंगे और इसमें आते हैं हल्क, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और थॉर। तो सबसे पहले बात करें हल्क की, तो एमसीयू ने हल्क का मजाक बना के रख दिया है, एक ही सीन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है और दूसरे सीन में उसे किसी से पिटवा देते हैं। और क्योंकि हम कॉमिक्स की नहीं बल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस वाले हल्क को रावण इजिली हरा देगा। बात करें आयरन मैन की, तो आयरन मैन हम सबका फेवरेट है, पर रावण अपने किसी भी द्रव्यास्त्र से आयरन मैन के भी गोल्ड और टाइटेनियम से बने हुए आर्मर को इजीली तोड़ सकता है और बगैर आर्मर के टोनी कुछ भी नहीं है। जिसके बाद बात करें कैप्टन मार्वल की, तो वो एक्चुअली शायद से रावण को मार या हरा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और वो एक इंसान भी है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से उसका रावण को मारना और हरा पाना एक्चुअली पॉसिबल है। पर रावण की नाभि में अमृत था और अगर विभीषण ने कैप्टन मार्वल को भी जाकर ये बात नहीं बताई होगी, तो चाहे कैप्टन मार्वल अपने हजारों अटैक से हजार बार रावण का सिर ही क्यों ना काट दे, रावण ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वहां पे उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास ऐसे हजारों महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र हैं जो कि अपने एक ही अटैक में कैप्टन मार्वल को इजिली मार सकते हैं, इसलिए इस फाइट में भी रावण का पल्ला ज्यादा भारी है और एटलीस्ट मेरे हिसाब से रावण कैप्टन मार्वल को भी हरा कर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन जाएगा। स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैजिक यूजर्स हैं और वो रावण को मार तो नहीं पाए, एटलीस्ट कहीं पे ट्रैप तो कर ही सकते हैं जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, पर कब तक, क्योंकि रावण को ज्यादा टाइम तक ट्रैप कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा और इन दोनों के पास ही कोई भी ऐसी वेपन या पावर नहीं है जिससे वो रावण के ऐसे कवच को तोड़ सके जिसके अंदर वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक नहीं जा सकते। जबकि दूसरी तरफ एट द एंड ऑफ द डे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद इन दोनों की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जो कि रावण के एक नॉर्मल पंच तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगी, दिव्यास्त्रों की बात तो दूर की है, जिससे ये दोनों भी रावण का थोड़ा वार्म अप तो करा देंगे पर रावण के सामने ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे और रावण इन्हें भी इजीली हरा देगा। जिसके बाद अब बात कर लेते हैं एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एवेंजर गॉड ऑफ थंडर थॉर की और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गॉड ऑफ थंडर थॉर रावण को हरा पाएगा। तो थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गॉड है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और उसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकर इमोर्टल विंग्स तक को खेल कर सकता है, पर क्योंकि थॉर एक गॉड है और रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था कि उसको मार
ने हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए संभव था, इसलिए थॉर चाहे जो भी कर ले वो रावण को कभी नहीं हरा सकता। थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर वो वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक रावण के आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते। और स्टॉर्म ब्रेकर चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वाइटिस इन तीनों से ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता। थॉर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है, पर इन सब चीजों के बावजूद वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी मर सकता है। और रावण के पास हजारों ऐसे दिव्यास्त्र हैं जिनका थॉर ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और उनका एक ही अटैक थॉर को इजिली किल कर सकता है। इन दी एंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद थॉर भी रावण को नहीं हरा पाएगा, और रावण थॉर को हराकर एवेंजर्स के खिलाफ इस फाइट में इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा जो कि अनस्टॉपेबल होगा, और कोई भी एवेंजर रावण के सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बाकी तुम्हारे हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? कौन सा ऐसा एवेंजर है जो रावण को एक अच्छी फाइट दे सकता है? और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।